आखिर संजय दत्त ने गुस्से में क्यों बोला था सलमान खान के घर के बाहर दम है तो बाहर निकल। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संजय दत्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जिन्हें दर्शक आज भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म KGF चैप्टर 2 में काम किया था जो कि उन्होंने एक खलनायक का रोल निभाया था, जो कि इनका रोल देख कर दर्शकों को इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि संजय दत्त आज भी किसी फिल्म में नजर आ जाए तो उनकी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। संजय दत्त कई सारी फिल्मों में खलनायक की भूमिका नेगेटिव रोल निभा चुके हैं। असल जिंदगी में संजय दत्त कैसे हैं इस बात को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। संजय दत्त की दबंगई सलमान खान तक ने देखी है। सलमान खान और संजय दत्त के बीच में काफ़ी पुराना रिश्ता है, दोनों काफ़ी एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब सलमान खान का कैरियर काफ़ी अच्छा चलने लगा और वो संजय दत्त के आगे निकल गए, दबंगई के दूसरों को दिखाया करते थे। ऐसे में सलमान खान के लपेट में संजय दत्त के कुछ करीबी आ गए, जिसके बाद क्या था, संजय दत्त को इसकी भनक लगी। वह सलमान खान को मारने के लिए उनके घर देर रात पहुंच गए और कहा कि दम है तो बाहर निकल। संजय दत्त से जुड़े कई अनसुने किस्से हैं, जिसमें एक किस्सा ये भी है, गुमराह फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त श्रीदेवी के पीछे पड़े रहते थे। वह श्रीदेवी को परेशान करते रहते थे और वह उन्हें परेशान करने का एक ही मौका नहीं छोड़ते थे। ये बात श्रीदेवी अच्छे से जानती थीं, इसीलिए श्रीदेवी अक्सर अपना रास्ता बदल देती थीं। आपको बता दें, संजय दत्त को राजकुमार हिरानी डायरेक्टर के तौर पर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यह फिल्म संजय दत्त में सिर्फ विधु विनोद चोपड़ा के कहने पर साइन किया गया था। संजय दत्त का कहना था कि वह उन्हें राजकुमार हिरानी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो अलग अलग कैमरा एंगल से शुरू कर रहे थे जो की संजय दत्त समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब फिल्म सुपरहिट हुई तो संजय दत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हिरानी से माफी मांगी। आपको बता दें कि संजय दत्त के काफी सारे बॉलीवुड में एक एक दोस्त हैं, लेकिन वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा करण जौहर को मानते हैं और करण जौहर द्वारा बोली गई हर एक बात को स्वीकार करते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जब संजय दत्त मुंबई में बम धमाके में गिरफ्तार हुए थे तो उन्हें छुड़वाने में यश जौहर ने सबसे ज्यादा मदद की थी। आज भी इस बात का एहसास संजय दत्त नहीं भूल पाए। दोस्तों, आप लोगों को यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए।